एक फोटो कर ले। यहाँ पे देखो सर, फोटो देखो पहले, सर यहाँ पे होंगे फोटोग्राफर का, तो शॉट ले ले। तार तार था ही नहीं, था ना तो पछड़ाओ नहीं। एक वरिया तुझे सारे ड्रेस से दिलाऊं, तेरी फिगर जेलो जैसे जिसको मैं पास से लाऊं और थोड़ा सताऊं और धीरे धीरे होले होले तेरी बाहों में समाऊं। वो एक हो गया रैप है। गाने के बारे में नहीं, गाने से ज्यादा लेजी के बारे में बोलूंगा। बहुत ही ऑनेस्ट, डेडिकेटेड और इनोसेंट पर्सन है। जो भी आपको दिखेगा इनके गाने काम में, वो उनका कैसा दिल है वो झलक है। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। हाँ हाँ, अभी तो देखो मैं जाऊंगा, मैं 22 की मेरी फ्लाइट है, फिर दिवाली के पहले आऊंगा। फिर नए गाने काफी मुझे दिए, अच्छे अच्छे ट्यून, मैं इनसे पूछता हूँ, राह देता हूँ कौन सी ट्यून अच्छी, कौन सा करना है, फिर इसे म्यूजिक का ये करके फिर वीडियो बना के फिर आगे और करेंगे। देखो जैसे चांस मिला तो देखो मैं अमिताभ बच्चन का आवाज निकालता हूँ, वो तो वो बोलता ना नेचुरल है तो। जैसे वो अभी आपको सुना, और कीड़ी मारे पिचकारे तोर भीगी अंगिया, ओ रंग रसिया रंग रस और होलिया, ऐसे मतलब फॉल्सेटो में कुछ भी गा लेता हूँ मैं, सॉफ्ट वॉइस भी निकालता हूँ, ये भी निकालता हूँ। ये अच्छे कैसे हुआ, इनके बर्थडे में मैंने गाना गाया उधर पे, वहाँ तो ऑलरेडी म्यूजिशियन थे, कैरोकी में गा रहे थे, तो वहां पर इन्होंने जाके उधर बात की उधर पे, और मुझे अंदर से ले गया, बोला उनको रोक के पैसे दिए उनको, मतलब ये दोस्ती चल रही थी वो गाना, तो वो गाना मैंने मेरे ग्लासेस उधर डाल दिया, वो लिरिक्स दिखा रहा है मुझे, मैंने गा लिया, मतलब तो बहुत खुश हो गया, मतलब दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना, ऐसा मतलब ये हो गया। उसके बाद में बर्थडे गाना गाया उनका, वो एक बच्ची थी छोटी, वो अंकल बोला वो गा रहे थे, बोला नहीं अंकल आप गाएंगे आपने, तो गाया केक भी डाला मेरे, वहीं से स्टार्ट हुआ ये जर्नी, मतलब नहीं तो मैं करने वाला नहीं था, मैं तो इनके यहाँ फैक्ट्री जाओ, इनके बॉम्बे ऑफिस में इधर जाके अपना, इनके इधर सब जगह जाके अपना टाइम पास करता, मतलब एक ऐसी, मतलब मैं तो कुछ सीखा नहीं, सारे गाँव मुझे आता नहीं है कुछ भी, लेकिन ट्यून लैंग्वेज बहुत जल्दी पकड़ लिया, जैसे वहां पर फ्रेंच लैंग्वेज सीख गया, मतलब इतना जल्दी, मेरे घर वाले मुझसे पहले से लेकिन बोल नहीं सकते, अभी थोड़ा स्पेनिश सीख रहा हूँ और इंग्लिश तो बात ही करते ही हम, बस इसी तरह, मतलब आप लोगों का सहयोग हो गया, आप सहयोग कर रहे, मतलब आगे बढ़ाएंगे, हमें लोगों का प्यार चाहिए बस, उसी के लिए कर रहे हैं, और लोगों को वापस देना है हमें, हमें लेना नहीं है कुछ भी, कि हम लेके क्या करेंगे सुबह में, ना तो पीते हैं ना कुछ, नहीं जाके बैठ के एक सूप पी लिया बस, अपना टाइम पास हो जाता है, थोड़ा बहुत लाइट खा के ये होता है, शाम को बहुत कम खाते हैं, और भी डाइटिंग कर रहा हूँ, अभी अगले साल आऊँ पहले सबसे पहले जिम ज्वाइन करूँ, वहाँ पर मतलब जिम तो बहुत बड़े होते हैं, जाके थोड़ा मसल बना के आऊंगा, ताकि कुछ हार्ट अटैक नहीं हो जाए मुझे सवाल के करके, मतलब सर ये गाना कहाँ देख पाएंगे लोग? ये तो किसी अच्छी म्यूजिक कंपनी में जाए, नहीं तो सर का खुद का चैनल है एलएन यूनिवर्सल म्यूजिक, लेकिन फिर भी ट्राई कर रहे हैं कि अच्छी बड़ी कंपनी में जाए, देखते हैं आगे क्या होगा। ऐसे बात चल रही है थोड़ा? हाँ बात चल रही है, तो एक दिन में फिर से मिलेगा। आज लॉन्च कर रही है, ये आज ही कुछ लोग देख पाएंगे, और अभी एक बार गाना फिर से प्रीव्यू कर रहे हैं, एक बार अपने साथ फीडबैक दीजिए कि कैसा लगता है। और सर हमारे कुछ खास मित्र हैं, मतलब कि बहुत खास है कि टीवी इंडस्ट्री के नजदीक में, जैसे सर का मानना है कि एक एज के बाद समाज सर, आज सर की एज है 71, लोग 71 नहीं बॉडी करता ना, तो लोगों को मानना है कि कम से कम तो एक बार बॉक्सिंग करता समाज को देश के लिए बोझ न हो। इन्होंने शुरुआत की स्टार्ट से बिगनिंग से कि समाज के लिए या इंडस्ट्री के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं कि जब नए लोग जो कुछ करने जाते हैं, चाहे म्यूजिक में हो जाए, लिरिक्स में हो जाए, या डायरेक्शन में हो जाए, एक्टिंग में, उनको सबको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, आप देखो मैं अभी ये जरा एक मीटिंग में जो म्यूजिक डायरेक्टर है अरुण शुक्ला, जो आपने हम सब मिलकर उनके गाने सुन के बड़े हुए, बहुत बड़े अरेंजर हैं, परदेश है, राज है, बड़ी फिल्म
बाजीगर है, मतलब इतने हिट फिल्में की उन्होंने, वो एक्सपायर होने के बाद भी इन्होंने वो कई लाखों रुपए 10 लाख रुपए खर्च करके इनके गाने को डेडिकेट करने के लिए इन्होंने किया कि नहीं वो मर गए लेकिन उनके लिए मैं कुछ कर ले, वरना वो गाना जाने के बाद भी वो नहीं करते, फिर से स्टार्ट से कर सकते थे, इन्होंने नहीं किया। आज हमारे लिए लोगों के लिए जो कर रहे हैं अनबिलीवेबल, शायद ये कोई इनके लिए करें, फिर हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई पहचान में नहीं है, फिर भी ये घर तक आते हैं बोले कि नहीं तेरे लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो विजित भी है और आपने सबने गाना देखा है, बाकी आपकी फीडबैक की वो गाना कैसा लगा? फ्रॉम गोवा बट मैं मुंबई में 12 साल हो गई, अभी बॉलीवुड सब जो गाना जो क्या है सब में अभी मेरा कंटिन्यू चल रहा है। देन सबसे पहले मैं मीडिया वालों को गुड इवनिंग कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपके वजह से हम हैं और हमारा जो जो इधर क्या क्या हो रहा है वो सब आप लोग आगे खबरें देते हैं, मतलब जो न्यूज़ में आता है जो चैनल में आ जाता है। देन गुड इवनिंग टू ऑल माई टीम एंड देन स्पेशली आई थैंक्स टू मार्टिन सर एंड शंकर सर। तो इसमें ऐसा इस एल्बम में ऐसा है मतलब एकदम अच्छा कॉन्सेप्ट है और इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है उसमें पूरा एकदम दिखाया गया है, मतलब इस उम्र से बाद में इस उम्र में कैसा होता है ट्रांसफॉर्मेशन और इतना बढ़िया है तो देखने के बाद आपको सबको पता ही चला है। देन आई एम ऑल्सो एक एक्टर भी हूँ एंड मैं भी एक प्लेबैक सिंगर हूँ, तो ये तो मेरा हॉबी है और ये मेरा हॉबी पूरा हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ। बस थैंक यू सो मच। रहते तो हम साथ में ही रहते थे और साथ में ही खूब इंजॉय करते थे क्योंकि सब लोग इतने हंसमुख थे और ऊपर से गॉड गिफ्ट था सबको और सब लोग बैठते थे तो 8 घंटा भी पता नहीं चलता था कहाँ चले गए। सब लोग काम पे जाते थे, 12 घंटा काम करके भी रात को 4 बजे तक हम लोग कैरम खेलते थे। फिर गायकी वगैरह में शौक सबको था सुनने का, कोई को तो लेजली को गाने का शौक था तो एक जुनून था। तो जब सुना मैंने तो इनको कहा कि लेजली तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम इसमें आगे बढ़ो। तो इन्होंने पैसे बहुत, उसमें गलत लोगों से मुलाकात हुई उसमें पैसे चले गए, मेहनत की और आज ईश्वर की कृपा से जो तोहफा मिला है वो ऊपर वाले की ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होगी। बस मैं यही कहूंगा कि हमारे मित्र है लेजली, हम लोग आज 40 साल से मतलब साथ में है और 40 साल ज्यादा ही हुआ होगा। इनको बहुत शौक था गाना गाने का और आज मुझे ये खुशी हो रहा है कि आज इनका एल्बम मतलब रिलीज हो रहा है और बहुत अच्छा इन्होंने गाया। मैं बस इनको आगे या फ्यूचर के लिए मतलब शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बस यही मेरा मतलब इनके लिए एक मतलब एक अच्छा वर्ड रहेगा कि हमारे दोस्तों में से मतलब एकदम आगे बढ़ गया लेजली भाई। मैं इतना ही जी सर। मेरा तो बचपन का दोस्त है, यकीन नहीं आ रहा है इस वक्त और आज के बीच कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। म्यूजिक वीडियो बना रहा है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आई ओनली विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। वो चला नहीं ज़्यादा लेकिन क्या करें, हमारा फ्रेंड सर्कल अपना अनुपम थिएटर में मैनेजर सब दोस्त थे हमारी, वहाँ जी के देख के हमने हंसने लग गया कि मेरा गाना है उसमें। इंटरवल के पहले पार्टी सॉन्ग है ऐसा है, मतलब ऐसा मिथुन गाता है उठ के मतलब जी क्या मतलब भूल गया, याद नहीं आ रहा है वो वर्ड मतलब ऐसे गाना है। मतलब एक अंतरा जो मैंने गाया, मतलब एक अंतरा गाया उसमें, उसके बाद में मेरे फ्रेंड सर्कल में कुछ सीरियल बनाया उसमें कुछ गाया ऐसा भी होता है और करामाती जो अनु क्या नाम था उसका बालिया गोइंका ने किया था उसमें डब किया, फिर चला गया कनाडा, उसके बाद में 22 साल के बाद में आया वापस 65 के बाद रिटायरमेंट लेके आ गया। आने के बाद में बस फिर से ये लोग आए एयरपोर्ट में मुझे रिसीव करते, हमेशा आते जाते हैं सब फ्रेंड्स लोग मुझे। 22 तारीख को मेरी फ्लाइट है, सोचा 8-10 गाने करने का सोचा था लेकिन अभी थोड़ा सा ये हो गया, अभी आऊँगा अक्टूबर में फिर से एंड में, फिर काफ़ी गाने करूँगा और वीडियो बनाऊँगी ये करूँगा उसको कंटिन्यू रखने के लिए। आई होप ये सभी को पसंद आए और अच्छा फीडबैक मिल जाए, कोई कंपनी या किधर भी अच्छा हो जाए तो मैं करते रहूँगा इसी तरह। और शंकर ये मतलब काफ़ी हमारी टीम एक है, लोकेशन सब मिलता है, हम दोस्तों में ये सब करते हैं हमारे लिए और हम
बस इसी तरह से मतलब आप लोगों को अच्छे गाने अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जो है दिलवाले मर्दे वो तो जेनिफर लोपेज जो है हॉलीवुड की बहुत बड़ी स्टार है, तो उसमें इसके लिए रैप एक बच्चे ने लिखा डिजी गोगोई ने और उसको मैंने गा लिया। रवि रवि बेसनट बोल के अभी उसको ब्रेन हैमरेज हो गया, चला गया किधर चुनला, उसने लिखा गाना लिखा और ताबुंदा म्यूजिक डायरेक्टर है जिसने क्या नाम है अपना ये क्या सिंगर कौन था जिसको सोनू निगम, हाँ सोनू निगम को सबसे पहला ब्रेक दिया। तो